क्या नाम हुआ मैम आपका? कंचन राय। ये लड़का कौन है? मेरा बेटा है। इनका क्या नाम हुआ? आदित्य राय। इनको क्या प्रॉब्लम है? सर ये चल नहीं पाता है और इसका मतलब कमर में जोड़ नहीं पा रहा है। इससे पहले आप कभी दिखाई कहीं? वही यही पटना में ही दिखाए थे। अच्छा, तो डॉक्टरों का क्या कहना था? वो तो कह रहा है कि फिजियोथेरापी कराइए, एक्सरसाइज वगैरह करिए तो मतलब चलेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, सर के बारे में, यहाँ के बारे में कैसे पता चला? यूट्यूब से सर। अच्छा, ओके। फिर क्या नाम? हेलो हेलो, बाबू जैसे बोला वैसे रहिए आप। सही मेरे पास है ना सर, ये प्रीमेच्योर डिलीवरी था ना? प्रीमेच्योर डिलीवरी था ना? कितने मंथ पे हुआ थी? सेवन से कुछ कम था, 7 महीने 10 दिन। बैक साइड का टाइम? बैक साइड कट जाएंगे आप? ये तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसका सीधा कनेक्शन वो ब्रेन से होता है, लेकिन इसके अनुसार बाकी जो बॉडी में चेंजेस है लाइक आपका जॉइंट्स एंड स्पाइन, स्पाइन को जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, ये स्पाइन यहाँ से आकर के ऐसे मूव हुआ है, ये ऐसे मूव हुआ है, देख लेते हैं, कुछ नहीं कर रहे। जैसे कि हम लोग इनका स्पाइन देख रहे हैं, ये इस एंगल में स्पाइन ऐसे आ रहा, तो इसके वजह से ये इनका जो ये लोअर बैक है, कमर से ये जोड़ नहीं लगा पाते। बाकी सारे लोग का कहना होता है कि सीपी में क्या बेनिफिट है, कायरोप्रैक्टिक का क्या बेनिफिट है, लेकिन सभी पेशेंट में मानते हैं न्यूरोलॉजिकल ऑपरेट नहीं होता है, लेकिन ये जॉइंट तो हम लोग मैनिपुलेट तो कर सकते हैं और इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये अभी इनका स्पाइन जो है ये ऐसे कर बोल रहा है, सामने ये कर बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग स्पाइन को मेंटेन करेंगे। बाबू छोड़ देना, नॉर्मल रहना, ऐसे आ जाना, मेरे गोद में आ जाना, मेरे गोद में आ जाना, गोद में आ जाना, ऐसे ऐसे आ जाना, हाँ ऐसे। थोड़ा ये हिप जॉइंट को जो यहाँ काफ़ी स्टिफ, इसको मेजर करेंगे तो ये है पैल्विक, ये एस आई जॉइंट, थोड़ा डाउन है, ओके। इसको उठाना, थोड़ा सा बाजू को उठाना उठाना उठाना, लेट जाएंगे। अजी इस पर लेट जाइए, हम लोग जैसे कि अभी हम लोग स्पाइन देख सकते हैं, ये प्रोमिनेंट पार्ट है, ये टच करके देख सकते हैं, टच कीजिए आप, आप टच कीजिए ना, पता चलेगा। स्ट्रेट आया, स्ट्रेट आया, पहले स्पाइन यहाँ से ऐसे इस टाइप से आ रहा था, लेकिन अभी जो स्पाइन है बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है। सीधे लेट जाइए आप, ऐसे कंडीशन में थोड़ा नेक होल्डिंग में प्रॉब्लम आता है, लेकिन हम लोग थोड़ा ये C5 और 6 को देखेंगे।
और थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे इसे बायलेट रोटेशन बस ओके पूरा तो ये एंकल ज्वाइन ये बाहर की तरह सिर्फ खड़े और इनको खड़े होने में प्रॉब्लम होती है। अभी हम लोग थोड़ा सा हिप का मोमेंट चेक करेंगे फोल्ड करना हिप का मोमेंट तो ठीक है लेकिन थोड़ा मसल सस्पेंड स्टिफनेस है थोड़ा हिप को हम लोग ओपन करेंगे थोड़ा हिप को नहीं थोड़ा जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ये बायलैटरल थोड़ा मूव हुआ है यही सब सपोर्ट मिलता है कायरोप्रैक्टिक में। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो तो डे बाय डे इम्प्रूव होता है और फिजियोथेरेपी इसमें हेल्पफुल होता है लेकिन वो बीच बीच में अगर हम लोग कायरोप्रैक्टिक रहते हैं तो ये जॉइंट्स वगैरह सारा मेंटेन रहता है। लूज लूज एंकल जॉइंट के बाद रहा ये सारे जो भी फुट मसल्स होते हैं सारे के सारे ये लो छोड़ देंगे ये प्लांटर फ्लेक्सन में चले जाते हैं। रीज़न और क्या होता है ये काफ मसल्स स्टिफ हो जाता है इसके कारण ये सारे प्लांटर फ्लेक्सन में चले जाते हैं। इसके लिए थोड़ा सा मैं एंकल को मेंटेन करूँगा एंकल को थोड़ा टीए का स्ट्रेचिंग दे दूंगा 1, 2 and 3 इसी तरह सेम प्रोसेस अदर लेग का ये भी लेग को हम देखेंगे अगर दोनों का कंपेरिजन करके थोड़ा ये लैटरली ये जो लैटरली था पहले अभी हम लोग देख सकते हैं दोनों के कंपेयर में इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। अभी मैं इसे एडजस्ट कर रहा हूँ था कि लैटरली जो या टीबिया जो आउटसाइड जा रही थी लेकिन अभी हम लोग देखेंगे लगभग पहले से बहुत काफ़ी बेटर है। ये जो पैर की स्टिफनेस थी ये भी काफ़ी लूज है इसकी अपेक्षा ये अभी ज़्यादा हार्ड है लेकिन ये काफ़ी लूज है इसको थोड़ा मेंटेन करेंगे एंकल जॉइंट को इसका हम देख सकते हैं ये काफ मसल्स को काफ़ी स्टिफ काफ मसल्स स्टिफ होने के कारण ये प्लांटर फ्लेक्सन में पैर एंकल तो थोड़ा ये टीए को ट्रैक करके और एंकल जॉइंट को मेंटेन करके थोड़ा लिटिल बिट एडजस्टमेंट देंगे थोड़ा टार्शन पकड़ेंगे मेरा हाथ खड़े होएंगे आप स्टेप डालिए चलिए आप उधर चलिए पैर उठाइए पैर उठाइए चलिए आगे बढ़िए चलो बढ़िए आगे बढ़िए इसको बढ़ाइए पीछे आइए बस एक मिनट खड़ा होएंगे आप यहाँ क्या बस ऐसे करना है ऐसे करना है खड़ा करना है और लंबर का रीज़न है थोड़ा मैं इसका स्पेस इंक्रीज करूँगा इस टाइप से पीछे ऐसे नीचे पकड़ लो पीछे दबा कर लो देखेंगे मैम आप आएंगे इधर इसको पकड़ के देखेंगे कि आपको चेंजिंग लग रहा है नहीं लग रहा है क्या लग रहा है देखेंगे आप पकड़ के
ग्रिप वगैरह हैंड ग्रिप जो भी हो जैसे छोटे से पहले बनाते थे। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है इधर बोलिए, कैसा लग रहा है? हाँ जोर से बोलो, जोर से बोलिए, जोर से बोलो। कैसा लग रहा है बोलिए, कैसा लग रहा है बोलो, बोलो बोलिए, कैसा लग रहा है बोलो, बोलो बोलो कैसा लग रहा है, बोलो बोलो कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है बोलो, कैसा लग रहा है? ओह किस करेगा, अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा, अच्छा लग रहा ना? वो ऐसा है कि दो महीने पे तीन महीने पे एक बार आकर के हमसे मिल जाएंगे, वो एक या दो सेटिंग चाहिए। अब आपकी अपना फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज है उसको कंटिन्यू रखेंगे और एक्टिव मूवमेंट जो अपना घर पे भी आप जो आप देखेंगे वो सब मूवमेंट कराएंगे, ठीक है? अभी एज क्या हो जाता है, 4 साल हो रहा है ना, अभी ये रिकवर होने का चांसेस 100% है, ठीक है? तो थोड़ा आपको केयर करना है और फिजियो के टच में रहना है और बाकी बीच बीच में जो ज्वाइंट जो स्टीफ होता है मैं उसको स्टीफ नहीं होने दूंगा, वो बनाया सकता हूँ, ठीक है मैम? हाँ बाय बोलो उनको, बाय बोलो, इधर 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 इधर। अच्छा लगा आपको?